हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे लोग को भूख लग रही है, तो मैं अभी कुछ बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा और देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ बच्चे के लिए, जो कि झटपट बन जाता है और कम तेल भी लगता है और बच्चे लोग का भी मन खुश हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी बेटी को चटपटा और नमकीन पसंद है, तो वैसा ही मैं कुछ नाश्ता बनाने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, मैं बना रही हूँ चीला, नमकीन चीला। मींस इसमें डाली हूँ आटा, गेहूं का आटा, थोड़ा बेसन। बेसन डालने से ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो आज बिना लहसुन प्याज का मुझे खाना है, क्योंकि मेरा व्रत है कल, तो इसीलिए मैं इसमें प्याज नहीं डाली हूँ। सिर्फ डाली हूँ टमाटर, हरी मिर्च, अजवाइन और नमक, हल्दी, और थोड़ा सा डाली हूँ इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से टेस्ट अच्छा आ गया था। और अगर प्याज आप खाते हो तो प्याज भी डाल सकते हो, और जो भी हरी सब्जी आप डाल सकते हो, जैसे गाजर है, गाजर आप डाल सकते हो कद्दूकस करके, और घिया डाल सकते हो, जो पसंद है। लेकिन मैं सिंपल ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं डाली थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगा था। और मैं सरसों तेल में बनाई थी, तो इसका टेस्ट एकदम ही अलग आ रहा था और बहुत अच्छा लगा। मेरे दोनों बच्चे खाए, नहीं तो लक्ष्य नहीं खाता है, रिया खा लेती है, लक्ष्य नहीं खाता है, लेकिन दोनों खाया। और अंत में जो है ना, सिर्फ दो ही बचा था, जो कि मैं रख दी अपने हस्बैंड के लिए, मैं भी खाई थी। नहीं तो ये सब, ये लोग नमकीन कुछ खाना नहीं चाहते हैं, इतना अच्छा लगा था। और ये देखिए, खा पी कर ये पढ़ाई नहीं करता है, खेलता है। मैं बोली चलो तेरा वीडियो बनाती हूँ, तो इसीलिए आके पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता है, पूरा दिन खेलना चाहता है। और पेपर भी आने वाला है अब। हेलो दोस्तों, आज तीज का व्रत है और गैस मैं तीज करती हूँ, तो आप लोग सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो है ना, ये हरितालिका तीज कहते हैं इसे, और एक होता है हरियाली तीज। तो हमारे गांव में हरियाली तीज नहीं होता है, हमारे गांव में हरितालिका तीज हम लोग करते हैं, तो वही आज है। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये व्रत शंकर भगवान और पार्वती के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए किया जाता है। तो ये निर्जला व्रत होता है, मींस पानी पीना नहीं है। और गाइस, मैं दोपहर का टाइम अभी हो रहा है, मैं नहा के तैयार हूँ और पूजा का सारा सामान भी कर लिया है कंप्लीट, क्योंकि 3 बजे के पहले ही पूजा करना है। और अभी मैं बच्चे को स्कूल से लेकर आऊँगी, फिर मैं पूजा करूँगी नहा के। मैं नहा चुकी हूँ सुबह, लेकिन फिर से नहा के पूजा करूँगी। अभी पूजा की सारी तैयारी भी मैं कर चुकी हूँ, तो अभी मैं तैयार हूँ, बच्चे को लेने के लिए जा रही हूँ स्कूल, उसके बाद वहाँ से आके पूजा करूँगी। और गैस, आप लोग ये व्रत करते हो कि नहीं, आप लोग कमेंट करना, और आप लोग कैसे करते हो ये भी बताना। और ये व्रत में एक्चुअली कुछ खाया नहीं जाता है, ना पानी पीने का होता है। तो गैस, वीडियो में कंटिन्यू रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पता चलेगा मैं कैसे क्या क्या काम करती हूँ, मैं कैसे पूजा करती हूँ। दोस्तों, मैं पूजा की सारी तैयारी करके स्कूल ले चली गई थी बच्चे को लेने के लिए, फिर वहाँ से आके नहा के मैंने पूजा किया, और वीडियो में शूट नहीं कर पाई। थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे तैयार हुई थी। दोस्तों, फाइनली पूजा हो गया, बहुत धड़फड़ी में मैं पूजा की, बच्चे को स्कूल से लेकर आई, फिर फटाफट से नहाई, फिर तैयार हुई, फिर पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर जो है ना, रिया ट्यूशन गई और मैं फटाफट से पूजा की हूँ आज। और गैस, मैं जो हूँ ना, ड्रेस चेंज कर ली हूँ, क्योंकि उसी ड्रेस में फिर सुबह उठ के पूजा होगा, इसीलिए मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ। और कहा तो जाता है कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पानी मैं पी लूँगी शाम के टाइम में, मीन शरबत में पी लेती हूँ रात में, तो मैं पी लूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही पी कर ही किया है, मैं नहीं रह पाती हूँ इसीलिए। और पूजा अच्छे से हो गया, तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं। और मैं सुबह उठ के पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है कंप्लीट, और जो भी हम लोग जो पूजा का करते हैं ना, वो सब जो फूल वेल पत्र या फिर जो भी चीज़ होता है, वो सबको जो है ना, अलग पन्नी में भी कर लिया है, और एकदम ही भगवान को ही मंदिर में कर लिया है। और हर चीज़ मैंने ठीक कर लिया है, साफ़ सफाई भी कर लिया है। और पूजा तो मैं 4 बजे ही उठी थी, मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी, उसके बाद मैं सारा काम कर ली थी, पूजा कर ली थी,
और गैस भाई ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था। व्रत में आपको पता ही है ये बहुत कठिन व्रत होता है, तो मुझे वीडियो बनाने का एकदम ही मन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। तो अभी चलिए दिखाते हैं, मैंने पूरा किचन क्लीन, सॉरी मैंने पूजा कर लिया है कंप्लीट। और वो वाला पूजा तो मैं 4 बजे ही कर ली थी, मैं 3:30 बजे उठ के नहा के सारा काम कर ली थी, सारा पूजा मैंने कर लिया। और अभी घर का जो पूजा करते हैं ना मंदिर में, वो मैंने पूजा कर लिया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ, सुबह का टाइम है, सारा कुछ मैंने साफ़ सफाई कर लिया क्योंकि भगवान का सारा कुछ विसर्जन किया जाता है, तो मैं सब कुछ कर ली हूँ। भगवान को फिर से स्थापित कर दिया मंदिर में, और नीचे सारा पूजा का बर्तन हैंड पैंट सब कुछ साफ़ सफाई कर लिया, दान भी दे दिया जो पंडित को देना था। उसके बाद मैं आ गई किचन में, रिया का स्कूल था, रिया स्कूल चली गई है। उसके बाद मैं देखिए बना रही हूँ खाना, चावल दाल और बैंगन का चक्का बनाई हूँ। दाल अभी, दाल में तड़का लगाना बाकी है। और पकौड़े बना रही हूँ आलू बैंगन और घिया का, और पापड़ तलूंगी, यही मेरा खाना होगा। एकदम भी सिंपल सादा मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि व्रत के बाद ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है कि बनाने का भी मन नहीं होता है। और क्या करूँ, बनाना पड़ेगा ही, कौन बनाएगा, मुझे ही बनाना होता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मदद कर लेते हैं लेकिन बनाना तो मुझे ही पड़ता है। और देखिए रिया जाने के लिए तैयार है, रिया चले जाएंगे स्कूल, पापा पहुँचा देंगे इसके। उसके बाद देखिए सारा कुछ मेरा बन गया है और हम लोग खाएंगे। देखिए मेरी थाली में है, और बिना सलाद का तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं, तो मैंने खीरा कट कर लिया था, और चावल दाल सब्जी पकौड़े यही सब था मेरी थाली में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।